प्यारे बच्चों बच्चों कभी कभी फ़ोन आता है तो फोन वीडियो काटना पड़ता है या अपने से स्वयं ही कट जाता है। कभी कभी ना चाहते हुए भी दूसरा वीडियो बनाना पड़ ही जाता है। चलो कोई बात नहीं, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बस वही रक्षा में स्ट्रेटजी का अध्ययन, बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर का छूटा हुआ पार्ट। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चैप्टर वही है बच्चों, आज हम लोग इसका पढ़ेंगे जो है भाग तीन। ठीक है, क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता का भाग तीन, निकटतम पड़ोसी से खतरे, इसका हम लोग भाग तीन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें आंतरिक सुरक्षा हम लोग पढ़ रहे थे। आंतरिक सुरक्षा में भी हम कई पार्ट पढ़ चुके थे, तभी फोन आ गया जिसके कारण बच्चों वीडियो कट गया। हाँ तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे भाषावाद उसमें। ठीक है, भाषावाद जैसे यह भी एक चुनौती है, जैसे भाषा भी एक प्रकार से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में अलगाववाद का एक कारण था। जैसे जबरन उन पर उर्दू भाषा लाद दी गई थी जबकि वहाँ की भाषा राष्ट्रभाषा बंगाली थी। ठीक है, चलिए तो भाषा भी एक अन्य की तरह एक सुरक्षा के आंतरिक सुरक्षा के लिए यह भी एक चुनौती है। यदि भाषा की शक्ति नहीं होती तो अधिकार सीमित होते। ठीक है बच्चों, चलिए और भाषा और समाज, बच्चों भाषा और समाज एक दूसरे से अनिवार्य अंग है और भाषा के द्वारा ही बच्चों अपनी बातों का आदान प्रदान इधर किया जाता है। इसलिए कि अगर एक राष्ट्र की या एक क्षेत्र में रहने वाले किसी अन्य को अगर एक भाषा का ज्ञान है, किसी अन्य को दूसरी भाषा का ज्ञान है, तो क्या दोनों आपस में बात कर सकते हैं? आपका उत्तर होगा नहीं। तो जब तक वे एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते तो एक समाज में रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इसलिए भाषा और समाज एक दूसरे के अनिवार्य अंग हैं, एक दूसरे को नज़दीक लाने में, एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण में, ठीक है, को निर्मित करने में भाषा का भी अपना एक महान योगदान है। और इसी भाषा के कारण कभी कभी भाषाई क्षेत्र जो होते हैं अपनी भाषाओं के क्षेत्र में एकता होती है और भाषा के विभिन्न होने में, भाषा के अलग अलग होने में थोड़ी सी दूरी अपने आप बन जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए अगर देखा जाए तो भारत एक बहुभाषी देश है। हिंदी, मराठी, पहाड़ी, पहाड़ी, उड़िया, गुजराती, यफमी, राजस्थानी, बंगाली, पंजाबी, नेपाली, मणिपुरी, बिहारी, तेलुगु आदि, यहाँ पर बहुत सारी भाषाओं का क्षेत्र है बच्चों। ठीक है, इसमें एक भाषा हमने नहीं लिखा क्या, जो प्रमुख भाषा है वो है बच्चों अंग्रेजी। अब देखा जाए तो सभी के बीच में संपूर्ण विश्व की भाषा में अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो कि एक दूसरे की बातों को दूसरे लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ना तो संपूर्ण विश्व में कोई हिंदी जानता है, ना केवल अंग्रेजी जानता है। ठीक है, बाकी ये तो हम भारत की भाषा कह रहे हैं। चलिए तो भारत में भी अंग्रेजी भाषी क्षेत्र हैं, जबकि व्यक्तिगत भाषाएं बच्चों वहाँ की अंग्रेजी नहीं है। अंग्रेजी एक प्रकार से ऐसी भाषा है जिसको सब लोग समझ सकते हैं। भाई सबको हिंदी नहीं आती, सबको मराठी नहीं आती, सबको उड़िया, मणिपुरी, नेपाली नहीं आती, तो बिहारी, तेलुगु, ठीक है, राजस्थानी, ऐसे में होता है कि एक ऐसी भाषा हो। हालांकि जबकि टूटी फूटी हिंदी, बच्चों इन सभी भाषाओं में टूटी फूटी हिंदी मिश्रित भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी शुद्ध वर्ण तो हम लोग भी हिंदी भी नहीं बोल पाते। जो हम लोग हिंदी बोलते भी हैं गांव में खड़ी भाषा के रूप में, वैसे भी जो है गांव की भाषा के रूप में, वो शुद्ध हिंदी कहाँ होती है, उसमें कई भाषाओं का मिश्रण होता है, मिला जुला रूप होता है। ठीक है, चलिए हम उधर नहीं जाएंगे, हम आपको भाषा का ज्ञान नहीं करवा रहे हैं, हम आपको बस इतना बता रहे हैं कि भारत एक बहुभाषी देश है और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग भाषाओं के क्षेत्र की वजह से खतरों की संभावना भी बढ़ जाती है। यानी एक भाषी जो क्षेत्र होते हैं व अन्य भाषी जो क्षेत्र होते हैं दोनों के बीच में एक निश्चित तौर पे दुश्मनी तो नहीं मान सकते लेकिन थोड़ी सी दूरी वो बनी रहती है बच्चों। जहाँ कहीं पक्ष और विपक्ष चुनना होता है लोग अपने ही नज़दीक को चुनते हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी आंतरिक सुरक्षा को खतरे होने की स्थिति ज़्यादा है, आंतरिक सुरक्षा को समस्या पैदा होने की स्थिति ज़्यादा है, ऐसे खतरे हो सकते हैं। चलिए वैसे भी देखा जाए भाषा के आधार पर भारत में कई वर्ग जन्म ले सकता है और हिंदी प्रत्येक स्थान पर बोली और समझी जाती है। जैसे बच्चों हमने कहा ना टूटी फूटी हिंदी मिश्रित हर भाषाएं होती हैं, कहीं कहीं पर भाषा के आधार पर टकराव भी होता है। अब भाषा के टकराव जो है अलगाववाद,
को जन्म दे सकता है। कहते हैं ना, हमारे भाषी क्षेत्रों को अलग करिए, हिंदी भाषी को अलग कीजिए, मराठियों को अलग कीजिए, होता है ना बच्चों। वैसे ये भी जो है कहीं कहीं पर नेतृत्व स्तर पर व्याप्त हो जाता है। जैसे अभी तक महाराष्ट्र में मराठियों के लिए यूपी और बिहार वालों को भगाया जा रहा था। तो एक प्रकार से बच्चों ये वोट की राजनीति बहुत ही गंदी है। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते कुछ को समझ में नहीं आता। ये अपने राष्ट्र को खतरे में भी डाला जा सकता है और पड़ भी जाते हैं खतरे में। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे जनजातीय विद्रोह। जनजाति बच्चों एक प्रकार से उपेक्षित वर्ग कहा जाता है। जनजाति जिसे हम लोग एफटी वर्ग मानते हैं, एफसी एफटी होते हैं ना, अनुसूचित जनजाति। जन का मतलब होता है बच्चों ना कि अनुसूचित, ये होता है जंगली जातियां। जंगली जातियों को ही हम लोग आदिवासी कहते हैं। आदिवासी कोल भील दुनिया भर का। अब तो खैर वो आदिवासी सब अस्थायित्व तौर पर रहने लगे हैं, पहली वाली स्थिति अब नहीं है। और जनजाति वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था, आज भी वह राज्य के बाहर है। कहने का मतलब ये जो है पहले भी था लेकिन जंगलों में था, आज भी है राज्य के अंदर नहीं लेकिन राज्य के बाहर जंगलों में अभी भी है। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब समाज से ये लगभग एक प्रकार से कटा हुआ वर्ग है। मान के चलिए आज के समय में ये सब समाज के एक अंग बन चुके हैं, लेकिन इसके पहले स्थिति क्या थी, ये समाज से एक कटा हुआ वर्ग होता था। जनजाति, आज गवर्नमेंट ने इन सबको जनजाति की श्रेणी में लाकर एक समाज का रूप तो दिया है, जनजातीय समाज कहते हैं ना। चलिए, भारत की कुछ जनजातियां इस प्रकार हैं। भील, ये जो है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। भील, भील को आप जानते हैं बच्चों, एक लव्य का नाम सुना होगा, वो भी भील ही था। ठीक, संथाल, ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार की जनजातियां हैं। गोड़, ये आंध्र प्रदेश की जनजाति है। नागा एवं मिजो, ये बच्चों पूर्वोत्तर भारत की जनजातियां हैं, जिन्हें सात बहनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसमें कौन कौन से राष्ट्र हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम और क्या क्या है बच्चों, मेघालय, चार हो गए। दो तीन क्षेत्रों का नाम और याद कर लीजिए, याद नहीं आ रहा है बच्चों हमें भी। चलिए, वही पूर्वोत्तर वाले जो क्षेत्र हैं जो बांग्लादेश के उस पार हैं वही हैं बच्चों। चलिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है ये अशांत है नागा एवं मिजो जन विद्रोहियों के कारण। दोनों ने एक नए नए पृथक राज्य की मांग की है। ठीक है बच्चों, ये जनजाति चूंकि उपेक्षा के शिकार हैं, उपेक्षा भी नेतृत्व स्तर पर व्याप्त है। जब किसी का ध्यान हम नहीं देंगे, किसी के साथ भेदभाव का व्यवहार करेंगे बच्चों, तो अंत में वो कहेगा ही, अगर हमारे साथ बराबर का व्यवहार आप नहीं कर सकते तो हमको अलग कर दो, कहेगा ना। तो वैसे ही राष्ट्रों की भेदभावपूर्ण जातियां हैं। जैसे ये हैं नागा और मिजो, जिसे हम लोग भी पढ़े हैं, नागा और मिजो, इन्होंने सबसे पहले भेदभाव के विरुद्ध विद्रोह किया। उसके बाद इन्होंने क्या मांग रखी कि अगर हमारे साथ बराबर का व्यवहार नहीं कर सकते तो हमें अलग कर दो। लेकिन विद्रोह जब होता है बच्चों तो इनको पड़ोसी राष्ट्र अपने सहयोग और हथियारों की आपूर्ति करके इतना इनकी मदद कर देते हैं कि ये अपने मूल भाव से भटक जाते हैं। और जो इनके जो है, जो इनको सपोर्ट देते हैं, बहुत सारे कार्य उनकी इच्छाओं से करने लगते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण ये जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये किन्हीं छोटी छोटी बातों को ही बड़ा होकर, ये तूल बनाकर इतना बड़ा बना देते हैं कि वही अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लेता है। ठीक है, ये विदेशियों के बहकावे में आने की संभावना ज़्यादा होती है बच्चों। इसलिए ऐसे जो है विद्रोहियों को खास करके शुरुआत में ही इनको जो है समाधान इनका कर देना चाहिए, ताकि इनको ना तो विदेशियों से कोई मदद मिले, ना हमारे शत्रु राष्ट्र हमारे भारत की राजनीति में ये भाग लेने का इनको ऑफर मिले, ना ही हमारे यहाँ अलगाववाद का जन्म हो। ठीक है, चलिए वैसे भी देखा जाए बच्चों, अभी हम असम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश आदि में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि इन सभी में भी नेतृत्व स्तर पर असमानताएं व्याप्त हैं, असमानताएं भी व्याप्त हैं, भेदभाव भी व्याप्त है और उपेक्षा का शिकार भी है। इनको चीन एवं पाकिस्तान से प्रशिक्षण, हथियार और समर्थन दिया जा रहा है बच्चों। जो अलगाववादी संगठन, नकली संगठन, जो छोटे छोटे संगठन के रूप में जो जन्म भी ले चुके हैं, इन सबको हमारे ये शत्रु राष्ट्र चीन और पाकिस्तान इनको हथियार प्रशिक्षण दिए रहे हैं। भाई इनका क्या जा रहा है, ये तो हथियारों को दे दिए फ्री फंड में,
फिर फंड में इसलिए दे दीजिए कि थोड़ी सी बात हमारी भी मान लीजिए, इसी के बदले में हथियार दे रहे हैं। बाकी मारो किसको मारोगे, चाहे स्वयं मरो या भारतीय सैनिकों को मारे या भारतीय नागरिकों को मारो, किसी को मारो, उनका कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। नुकसान किसका होगा, खुद मारे जाओगे तो भी तुम्हारा नुकसान, भारतीय सैनिक मारे जाएंगे तो भारत का नुकसान, कहने का मतलब हर प्रकार से नुकसान भारत का ही होना है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ जो तीसरी समस्या है आंतरिक सुरक्षा को खतरे वाली, वो है निर्धनता और बेरोजगारी। निर्धनता का मतलब होता है बच्चों गरीबी, बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, बेरोजगार, जिनको कोई रोजगार ना हो, बेकार जिसको हम लोग बोल सकते हैं, कोई काम ना मिले, वो बच्चे बेरोजगार होते हैं। वैसे भारत में जनसंख्या अधिक, रोजगार के अवसर कम है। बच्चों वैसे भी देखा जाए तो भारत की जो बेरोजगारी है गरीब वर्गों में है, उच्च वर्ग तो नौकरी केवल सरकारी नौकरी के लिए परेशान है, सही बात यही है। अब फिर सरकारी नौकरी बच्चों सब लोगों की स्थिति यही है, सरकारी नौकरी जो है ये मात्र 3.7% या लगभग 4% हम मान सकते हैं, इतने ही लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं बच्चों, जबकि 96% लोग प्राइवेट नौकरी से जी रहे हैं, प्राइवेट कार्यों से जी रहे हैं, स्वयं बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जो सरकारी नौकरी जिसके लिए भारतीय नवयुवक, यूपी बिहार के नवयुवक जो रोजगार का ऑफर ढूंढ रहे हैं वो सरकारी नौकरियों में ढूंढ रहे हैं बच्चों, जो कि संभव है ही नहीं। चलिए फिलहाल हम लोग वहाँ नहीं जाना चाहते। गरीबी और बेरोजगारी भी एक खतरनाक होती है, विद्रोह विप्लव एवं नक्सलवाद है तो यही सब चीज़ें उत्तरदायी होती हैं भाई। भेदभाव, बेरोजगारी, गरीबी, गरीब वर्ग जब तक पेट उसका भरा है तभी तक वो शांत है बच्चों, अगर जिस दिन भूखा हो जाता है उस दिन उसके लिए मरना और जीना बराबर हो जाता है, तो मरना और जीना और फिर वो मार कर ही मरना चाहता है। जैसे मार्क्स ने कहा भी है, क्या कहा है मार्क्स ने, कि निर्धनता, बेरोजगारी, भुखमरी ये सब हमारे कर्मों का परिणाम नहीं है, ये इन अमीरों की दी हुई है। ठीक है चलिए, और इसी तरह हवा भी इनको जब देना प्रारंभ कर देते हैं पड़ोसी राष्ट्र तो यही हथियार उठा लेते हैं। निर्धनता एवं बेरोजगारी का पड़ोसी शत्रु राष्ट्रों द्वारा लाभ उठाया जाता है, गलत रास्ते का हमारे नवयुवक चुनाव भी कर लेते हैं जिसके कारण चोरी लूटमार तस्करी आतंकवाद आदि में लिप्त हो जाते हैं बच्चों। बेरोजगारों को इन सब में रोजगार मिलता है, देखिए चोरी लूटमार तस्करी आतंकवाद, ठीक है इन सब में इनको रोजगार मिलता है, चोरी कर रहे हैं पेट भरने के लिए, लूटमार कर रहे हैं पेट भरने के लिए, तस्करी कर रहे हैं पेट भरने के लिए, आतंकवादी अगर बने हुए हैं तो अपना और अपने परिवार के पेट भरने के लिए। ऐसी स्थिति ही ना आने दिया जाए बच्चों कि ये जो है ऐसा नौबत आए कि हमारे यहाँ के नवयुवक इस कार्य की ओर बढ़ें, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुँचाएँ। अब देखिए भटके हुए जो नवयुवक होते हैं इनको पड़ोसी राष्ट्र किसी भी प्रकार मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं, उठा भी रहे हैं, उठा भी सकते हैं। जैसे कश्मीर की नवयुवकों का फायदा पाकिस्तान उठाता है, उनसे कहीं पत्थर मरवाता है, दिन भर में उनको 500 रुपये पत्थर मारने का देता है, तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ये भी तो भारत के लिए खतरे ही हैं भाई। वो तो भूख से वैसे भी मर रहे हैं, उनके लिए चाहे भूख से मरें चाहे गोली से मरें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है बच्चों चलिए, लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा बच्चों, सुरक्षा के अभाव में हम कितना भी कमा लें, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारी सुरक्षा व्यवस्था अगर पर्याप्त नहीं है, अगर हम कितना भी पैसा कमा लें तो आप ना तो हम सुरक्षित रहेंगे ना हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा बच्चों। उसमें से चोर लूटमारी का खर्च आपको, उसका डर हमेशा बना रहेगा, क्योंकि एक पहली बात सुरक्षा होनी चाहिए फिर आप पैसा कमाइए। राष्ट्रीयता की माइकल मारा ने कहा है, राष्ट्रीय विकास ही सुरक्षा है, सुरक्षा ही विकास है। ठीक है, अगर आप विकास आपका ठीक नहीं है तो आप सुरक्षित नहीं है, और सुरक्षा नहीं है तो आप विकास, आप विकसित नहीं है, आप विकास करने के बाद भी आप जो है कंगाल ही रहेंगे, क्योंकि जो आप सुरक्षित नहीं हैं तो कितना भी पैसा आप इकट्ठा कर लेंगे चोर डाकू आपसे लूट ले ही जाएंगे, अपहरता फिरौती की रकम के रूप में मांग लेंगे, इसलिए सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। पारिश्रमिक असमानता एवं भ्रष्टाचार एवं घूसखोरी, बच्चों ये नेतृत्व स्तर पर व्याप्त है, पारिश्रमिक असमानता, भ्रष्टाचार, घूसखोरी,
ये सब जो है नेतृत्व स्तर पर व्याप्त है, बगैर घूस के नौकरी किसी को नहीं मिल रही है अब हमारे देश में। तीन तो एक तो 3.5% नौकरी, 3.7 या लगभग 4% नौकरी, वो भी आधी नौकरी बगैर घूस के नहीं। किसी भी इंटरव्यू में देखिए बच्चों, घूस लेकर ही नौकरी मिल रही है, आप लोग जानते भी हैं। सच्चाई क्या गवर्नमेंट नहीं जानती, वो भी जान रही है, ठीक है। ये है भ्रष्टाचार और घूसखोरी। और पारिश्रमिक असमानता क्या है बच्चों, एक ही कार्य करने वाले के लिए देख लीजिए असमान वेतन, समान कार्यों के लिए असमान वेतन, ये भी सुरक्षा के लिए बाधक है। जैसे एक कार्य, कोई भी एक कार्य कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो उसको पैसे बहुत कम मिलते हैं। एक कार्य अगर कोई सरकारी कर्मचारी स्वयं वही कार्य कर रहा है जबकि उतना कार्य वो करता भी नहीं है, तो उसके वेतन और समान व्यक्ति के वेतन में 10:1 का अनुपात जरूर होता है। इससे ज़्यादा का ही होगा बच्चों, कम का नहीं होगा, ठीक है। ये भी सुरक्षा के लिए एक बाधक है। जैसे काम में अंतर नहीं है लेकिन पारिश्रमिक में जमीन आसमान का अंतर होता है। हर प्रकार से आप देख लीजिए, एक सरकारी अध्यापक की पेमेंट जो है 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक होती है। एक प्राइवेट मास्टर की तनख्वाह देख लीजिए 500 रुपए से लेकर अधिकतम उसको 15,000 से 20,000 तक अधिकतम। ये कंडीशन है हमारे भारत जैसी स्थिति की। तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा की कल्पना करना भी बेमानी होगी ना। जैसे समान कार्यों है समान वेतन नहीं है, वेतन समान भले ना हो लेकिन इतना बड़ा अंतर तो होना ही नहीं चाहिए कि 1:10 का अंतर हो बच्चों। 1:10 का अंतर नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा अंतर है। 1:2 का हो सकता है सरकारी और प्राइवेट में, 1:3 का भी हो सकता है, ठीक है। या फिर समान कार्य है तो समान वेतन व्यवस्था ही लागू हो जाए। चलिए फिलहाल ठीक है, जो हो रहा है करने वाला करेगा, ठीक है। चलिए, मजदूर की मजदूरी से दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति असंभव हो रही है। मजदूर बच्चों दिन भर जब मेहनत करता है, वो भी धूप में, कड़ी धूप में, तो उसको 250-300 रुपये मिलते हैं, वो भी महीनों में अगर 30 दिन नौकरी, अगर 30 दिन वो ड्यूटी करेगा, 30 दिन वो अगर अपनी हड्डियाँ तोड़ेगा तो उसको 5,000 रुपये तक मिलते हैं बच्चों। इसमें भी स्थिति क्या होती है कि बहुत से मजदूर बेचारे इतने गरीब होते हैं कि उनके मालिक उनको मजदूरी भी नहीं देते, क्योंकि मालिक वर्ग अमीर होता है, सीधे बोल देते हैं नहीं देंगे, जो करना हो कर लो। तो कहने का मतलब यही है कि स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है भारत की, क्योंकि पारिश्रमिक असमानता, काम भी ज़्यादा करने के बाद भी पैसा कम, वो भी जमीन आसमान का अंतर, नौकरियों में घूसखोरी, हर स्थान पे भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का मतलब गरीब वर्ग की सेवाएं अमीर वर्ग उठा रहे हैं, गरीब वर्ग के लिए गवर्नमेंट जो कुछ भी मुहैया कराती है उसका लाभ अमीर वर्ग लेते हैं, क्या है भ्रष्टाचार है। कोई भी कार्य है घूसखोरी के बगैर कोई कार्य हो ही नहीं पाता। एक बार सरकारी पेमेंट पाने वाला व्यक्ति भी घूस के चक्कर में परेशान होता है, वो भी जो है अतिरिक्त आय के लिए हर समय परेशान रहेगा, जबकि उसको पेमेंट दिया जा रहा है भाई, उसको वेतन मिलता है उच्च। बाकी जिसको जो कार्य होता है सरकारी कार्यों में, बच्चों अपने कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता, वो भी भ्रष्टाचारी है, वो करना भी नहीं चाहता, ठीक है। जबकि निर्माण कार्य से लेकर मेहनत का कार्य सब कौन करता है, गरीब वर्ग करते हैं। वही गरीब वर्ग जिनके पास भरपेट भोजन के लिए पैसे नहीं होते, पैसे नहीं मिलते, कपड़े तन पे कपड़ा नहीं, भूखे को खाने को भोजन नहीं, जिनके बच्चे सड़क पर बिलबिलाते रहते हैं, ये कंडीशन है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये जो है हमारे आंतरिक सुरक्षा को खतरा नहीं पैदा कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, कर भी रहा है और करेगा भी। जैसे ये देखा जाए, मार्क्स ने वैसे भी कहा है कि देखा जाए, मार्क्स जो कि साम्यवादियों का एक नेता है, साम्यवादियों की बाइबिल उसने लिखा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, साम्यवादियों की वो बाइबिल कही जाती है, उनका धर्म ग्रंथ कहा जाता है। उसने स्वयं भी कहा है कि मजदूरों और गरीबों का कोई देश नहीं होता, श्रमिकों और मजदूरों का कोई देश नहीं होता, अर्थात संसार के सभी श्रमिक एक हों, ठीक है। इनको देशभक्ति के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो देश इनको भोजन ही नहीं दे सकता, जो देश इनको भोजन नहीं दे सकता, उस देश की भक्ति करने से फायदा क्या है इनका, ऐसा मार्क्स का कथन था, ऐसा मार्क्स का
विचार था, क्योंकि देशभक्ति और क्या बोलते हैं देशभक्ति और देश के लिए प्रेम, ये उनके लिए है जिनको ये देश जो है भरपूर मात्रा में सहायता उपलब्ध करा रहा है। रही बात बेरोजगारों, श्रमिकों और मजदूरों की, तो ये जो है देशभक्ति जैसे लुभावने नारे में इनको नहीं पढ़ना चाहिए इनको, क्योंकि ये जहाँ भोजन करेंगे, सॉरी